गर्मियों का मौसम आ चुका है और इसी के साथ आ चुकी है ढेर सारी परेशानियाँ। इस मौसम में तरह तरह की बीमारियाँ शरीर में घर कर लेती हैं। कभी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी तो कभी त्वचा से जुड़ी परेशानी। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में बालों का बुरा हाल हो जाता है, तो वहीं रंग भी सांवला पड़ जाता है। अगर इस झुलसती गर्मी में आप अपनी त्वचा को बचाना चाहते हैं, तो अपनाइए ये आसान घरेलू नुस्खे। गर्मियों में और बरसात के मौसम में त्वचा की देखभाल करने के लिए ऑल पर्पस क्रीम का ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से त्वचा को ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। गर्मियों के मौसम में इस बात का ख्याल रखें कि आप धूप में ज्यादा न रहें, ये त्वचा के लिए नुकसानदायक है। सूरज से आने वाली तेज किरणें आपकी त्वचा में पाए जाने वाले कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू को नष्ट कर देती हैं। गर्मियों में ज्यादा मेकअप करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि कई प्रोफेशनल जॉब्स में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे समय पर मेकअप करने से पहले इस बात का ध्यान दें कि आप अपने चेहरे पर वैनिशिंग क्रीम जरूर लगाएं। गर्मियों में सबसे ज्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है, और यदि आपका काम ऐसा है कि आपको धूप में सफर करना पड़ता है तो लगातार पानी पिएं। कोशिश करें कि आपके डाइट में लिक्विड पदार्थ का सेवन हो। रोजाना नहीं, लेकिन अगर ये मुमकिन हो पाए तो हफ्ते में एक बार चेहरे पर केमिकल फ्री फेस पैक लगाएं। आप चाहें तो बेसन, हल्दी और दही का लेप बना लें, या हनी और लेमन को चेहरे पर लगाएं। गर्मियों में लोगों को ड्राई स्किन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप पके हुए केले को अच्छी तरह मैश करके चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा हेल्दी रहेगी। लोगों को टैल्कम पाउडर लगाने की भी काफी आदत होती है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि पाउडर आपकी त्वचा को और ड्राई बनाती है, तो इसका कम प्रयोग करें। गर्मियों के मौसम में जितना हो सके मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, जैसे तरबूज, खीरा, बेल, लीची, आम और संतरा। यह सभी फल गर्मियों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और इनमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको ताजगी देंगे।